बीएसएफ द्वारा आयोजित। तो दोस्तों ये हमारे बीएसएफ के जवान है, ये उनकी एक परेड की एक झलक है। आप सोच रहे होंगे कि भीड़ है ही नहीं, क्योंकि ये 4 नवंबर के पहले का वीडियो है। ऑफिशियली 4 नवंबर के बाद ये पब्लिक टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। तो अभी आप फ्यूचर में कभी भी जाएंगे तो समझ लेना इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी और यहाँ का माहौल कुछ अलग ही होगा। ये जो हमारे बीएसएफ के जवान है ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे और लक्कीली हमको ये देखने मिला। सीरियसली बहुत अच्छा लगा ये देखकर। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी फ्रॉम द ग्लोबल बॉक्सर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लो। और आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने Part 1 नहीं देखा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, नाड़ा बेट का, तो जस्ट इस वीडियो के ऊपर हमारे चैनल में Part 1 का वीडियो देख लो, तो ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घूमने लायक है। डायरेक्टली Part 2 का वीडियो मत देखो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि सरहद गाथा म्यूजियम है, अजय प्रहारी है, बीएसएफ की डॉक्यूमेंट्री है ऑडिटोरियम में, नाम नमक निशान आर्ट गैलरी है, टॉय ट्रेन राइड्स है, बीएसएफ स्तंभ है, वॉल म्यूरल्स है, फिर एवी का एक्सपीरियंस जोन है यहाँ पर, फिर अजय प्रहारी स्मारक है, फूड कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें है, एडवेंचर है, एडवेंचर अरीना। तो ये वीडियो पूरा आप देख लो, जाने से पहले ये वीडियो देख लो, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लाओ 100 रुपया। बीएसएफ कैसे पेट्रोलिंग करता है? बीएसएफ ही ऐसा विंग है, ऐसा फोर्स है जिसके पास खुद का अपना एयर विंग है, नेवी विंग है और सरफेस विंग है। तो इन्हीं के पास ऐसा खुद का विंग है, वरना नेवी विंग के पास सिर्फ नेवी विंग का कैपेसिटी है। बट बीएसएफ ही हमारे इंडिया फोर्सेस में ऐसा फोर्स है जिसके पास एयर विंग भी खुद का है और कैमल रेजिमेंट भी उनके पास है और उनका बैंड पूरा बटालियन भी, बैंड के लिए भी पूरा अलग से एक वो है। अच्छा ये जो पूरा एरिया है ये किसके अंदर में है? जो मतलब बीएसएफ के अंदर में, नहीं मतलब ये मतलब गुजरात टूरिज्म के अंदर है ना? ये टी जंक्शन पूरा गुजरात टूरिज्म का डेवलपमेंट है, इसके आगे वो परमिशन वाला जो एरिया दैट कम्स अंडर बीएसएफ ओनली, वहाँ कोई भी टेरिटरी में वो कुछ भी है वो बीएसएफ के। बट हार्ड पॉइंट्स जो देखे और वहाँ टी पॉइंट 0 पॉइंट पे जो डेवलपमेंट है, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट डन बाय गुजरात टूरिज्म। जो डेक वगैरह भी गुजरात टूरिज्म करेगा, हाँ क्लीनिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन पूरा हो जाता है। ये सब कम से बॉर्डर मेंटेनेंस, हाँ बॉर्डर एंड सिक्योरिटी।
गाथा एक म्यूजियम भी है यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है बीएसएफ की लाइफ स्टाइल, अच्छा तो वो यहाँ म्यूजियम में ऑल दिस थिंग्स स्वैप की गई है। और उनके आर्म्स जितने थे ना, आर्म्स फोर्सेस जितनी भी है उसका एक डायग्राम उसमें बताया गया है। सो सरहद गाथा का यूनिफॉर्म अलग रहेगा सब वैसा। नहीं, ये बीएसएफ की बात है, सिर्फ बीएसएफ का जो डिफरेंट टेरेंस है, जैसे मार्शी लैंड है तो मार्शी लैंड में उस हिसाब से होता है, डेजर्ट है तो डेजर्ट का उसमें कैमोफ्लेज होने के लिए प्लेन होगा। ओके, सेम जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में ज़्यादातर ग्रीन होगा, ग्रीन रहेगा, जो पैटर्न होगा डिजाइन अलॉन वो चेंज होगा डिफरेंट टेरेन के हिसाब से। तो स्नो है तो स्नो में पूरा वाइट हो जाएगा। कश्मीर में जिस तरह से पेट्रोलिंग होती है हमारे बॉर्डर की, उस हिसाब से उनका ड्रेस भी अलग है। बर्फ में किस तरह से वो पेट्रोलिंग करते हैं वो एक डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। कश्मीर का ड्रेस भी अलग है, उनका एक स्टाइल भी अलग है बीएसएफ का, वो जिस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं पूरा एक अलग अलग पेजेस में बताया गया है। ये बर्फ वाला हिस्सा है, उसके आगे है फॉरेस्ट वाला हिस्सा है, और उसके आगे है रण वाला जो राजस्थान में, हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ से ये रास्ता से टेम्पल को कनेक्ट करता है, और ये टीच
डॉल्फिन ये सरफेस में पानी में ये चल सकता है, इवन अगर दलदल भी है इट कैन रन। इसको डॉल्फिन कहते हैं, इसको पेट्रोलिंग के टाइम यूज किया जाता है। इसमें पेट्रोलिंग के लिए जो बोट है ना वो इसमें रह सकते हैं, इसमें 15 से 20 लोगों को रहने का कैपेसिटी होता है। प्रशस्त भूमि, भक्ति, आहार, शक्ति, परिवार, पूरा बीएसएफ से जो कनेक्टेड है। अगर एक बीएसएफ का कोई जवान है तो वो उसकी पर्सनल लाइफ से लेके वो जो बीएसएफ बॉर्डर पे जब तक आता है उसका एक जो लाइफ जर्नी जो होता है उसको ध्यान में रख के पूरी कॉन्सेप्चुअल आर्ट गैलरी बनाई गई। उसका रिलीजियस जो कनेक्शन रहता है, देन उसका शक्ति, मेंटल जो टेम्परामेंट रहता है उसका, जो मेंटली जो फेस करता है वो प्रॉब्लम्स और जो भी है उसको देख के पूरा इस पर कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और यहाँ QR कोड भी दिया है, पर अगर आप इस पर गूगल लेंस पे स्कैन करेंगे तो आर्ट गैलरी के बारे में पूरी डिटेल और ऑडियो विजुअल्स आपको मिल जाएगा आपके फ़ोन में। ये स्कैन करेंगे ना सो यू गेट दी होल डिटेल अबाउट ऑडियो विजुअल। सो बीएसएफ के जवान जैसे शक्ति, तो उनका मेंटल पीस होना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये उनका डेली रूटीन है एक बीएसएफ जवान के लिए। सेम चीज़ खेल, उनके उसमें खेल भी एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी या ये स्पोर्ट्स में रहते हैं।
करते ही हैं इन्वॉल्व के तो जो डेली रूटीन है उनका डिस्टर्ब ना हो या सोशली जो डिसकनेक्ट हो रहा है या फैमिली से जो डिसकनेक्ट हो रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए खेल रहता ही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके डेली रूटीन में रहता है, सो उसमें बुरा है। बोला ना 180 आर्टिस्ट ने काम किया एक क्यूरेटर है ध्वनि सागर। अच्छा हाँ, उन्होंने पूरा कलेक्ट किया था, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया था, उनको पूरा साइट के बारे में हमने ब्रीफ किया था। अच्छा। और उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन करके उसके हिसाब से पेंटिंग्स कलेक्ट किए है। उनके पास काफ़ी आर्टिस्ट के कलेक्शन सुपर है, मतलब द ओनर ऑफ एलजीएस परचेज्ड द होल थिंग बट द क्यूरेटर पार्ट वाज डन बाय दैट ध्वनि शाह। एक परेड ग्राउंड है जहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी होगी, यहाँ पे डेली जब यहाँ पे इनोग्रेशन हो जाएगा उसके बाद में शाम को यहाँ पे बिफोर सनसेट पे यहाँ पे एक रिट्रीट सेरेमनी होगी बीएसएफ के द्वारा। और ये जो इसको परेड अरेना बोलते हैं और यहाँ पे 5,000 लोग की कैपेसिटी है, एक साथ में 5,000 लोग बैठ के यहाँ पे परेड देख सकते हैं। और यहाँ पे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है तो साउंड सिस्टम के साथ में यहाँ पे परेड भी होगी। तो ये यहाँ पे जब इनोग्रेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे डेली बेसिस पे मतलब शाम को यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी होगी बीएसएफ के द्वारा। थैंक यू। तो फिलहाल तो खाली इंडिया के ही लोग रहेंगे ना यहाँ? हाँ, यहाँ पे इंडिया के लोग रहेंगे। वो अलग नहीं है जो अटारी बॉर्डर वाला जो है ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडियन बीएसएफ सिर्फ यहाँ पे रहेगी। अच्छा है। दिस इज एवी एक्सपीरियंस जोन, ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जोन। वहाँ मतलब यहाँ टूरिस्ट इंटरैक्ट करेगा, यहाँ 4-5 एक्टिविटी है, टाइम टू रिफ्लेक्ट है। टाइम टू रिफ्लेक्ट में 6-8 मिनट का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चलेगा 1971 के वॉर के ऊपर,
लॉन्गे वाला जो पूरा वॉर और ये सब हुआ था वो पूरा एक टाइम टू रिफ्लेक्ट 360 डिग्री एक प्रोजेक्टर से 360 डिग्री पे वो पूरा मिरर रूम है यहाँ उसमें चलेगा एंड साउंड इफेक्ट के साथ एंड नरेशन के साथ तो वो पूरा यहाँ प्रोजेक्शन पे चलेगा एंड देन सरफेस है पूरा सैंड पे पूरा प्रोजेक्ट होगा और वो फील देगा एक्चुअली वो बॉर्डर वाला वॉर वाला पे नो इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकली चल रहा है अभी इट्स अबाउट टू कम्प्लीट सेम हमारे पास बीएसएफ क्विज है वहाँ एक सेशन रहेगा 5-1 क्वेश्चंस का मतलब वो सेंसर से पूरा ऑपरेट होके टूरिस्ट खुद इंटरेक्ट कर सकता है खुद ऑपरेट कर सकता है क्वेश्चन के आंसर देगा उसके बाद जोश मीटर है जोश मीटर में जैसे गेम जोन में हैमर वाला रहता है कि आप जितना जोर से हैमर करोगे उतना मीटर अप जाएगा इसमें ऐसा है कि आप जितना जोर से चिल्लाओगे मीटर उतना आगे जाएगा एंड देन एंड में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन डिस्प्ले होगी दैट इज इंटरेस्ट देन एआर वॉल म्यूरल है एआर वॉल म्यूरल में ऐसा रहेगा कि तीन अलग अलग सेटअप्स हैं उसमें एक छकड़ा वाला है एक गार्डियन वाला है एक सोल्जर वाला है तो उसमें छकड़ा इज द सेम वन जो अपने अभी म्यूजियम में देखा राइट बाइक सो वो क्यूआर कोड दिया जाएगा उसको स्कैन करोगे तो पीछे जो बैकग्राउंड है वो पूरा मूव करेगा सो यू कैन टेक फोटो एंड वीडियो वेदर ये दो एक्टिविटी है जो टिकटेड है दैट 180 डिग्री हाउ डिड यू मैनेज टू मतलब फुल यू हैव पुट इन योर ब्रेन यू आर टेलिंग सो फ्लुएंटली द एंटायर हां आई मीन हाउ मेनी टाइम्स हैव यू प्रैक्टिस्ड दिस काफी टाइम से इन्वॉल्व हो तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट वी रियली गॉट द फुल इन्फो ये 180 डिग्री फोटो बूथ है वो भी पूरा 12 कैमरे का सेटअप है एंड देन पीछे बैकग्राउंड में दैट नाडा बेट का लोगो एंड कटआउट्स है सो आप वहाँ सेंटर में खड़े रहोगे 12 जो कैमराज है हाँ वो GIF आउटपुट देगा ऑन द स्पॉट यू विल गेट द आउटपुट इन योर ईमेल सो ये भी पूरा सेटअप यही है वो भी इट्स अबाउट टू कम्प्लीट वो भी काम चल रहा है सो वो भी इनॉग्रेशन तक हो जाएगा सो ये दो चीज़ें टिकटेड रहेगी 180 डिग्री एंड 360 डिग्री जो टाइम टू रिफ्लेक्ट है सुनो मैं पढ़ के आई हूँ बिकॉज आप इतनी दूर से अगर कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है मिनिमम 200 किलोमीटर से भी आता है तो एंड ऑफ द डे कुछ ऐसे एक्टिविटी करेगा कि वो पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा कि हाँ वो नाड़ा बेट आया था तो सेम थिंग यहाँ बहुत सारे राइड्स हैं यहाँ है रॉकेट इजेक्टर देन वी हैव राइफल शूटिंग आर्चरी जिप लाइन जिप साइकिल हाई एंड लोअर ऑफ कोर्स देन पेंट बॉल है यहाँ देन जायंट स्विंग है स्लिंग शॉट है हाँ ये लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं आई गेस ये लोग पूरा टाइम गाइड करते हैं यहाँ काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक्टिविटीज के बारे में ज़्यादा अच्छे से anybody wanting to have an activity done here you can do is an adventure enthusiast you can do yeah I want to shoot you wanted to do zip line I can do yeah yes okay, zip line what else shooting I want to do shooting Rahul so guys I am doing a zip line activity at Nada Bet and it would be a fun doing a zipline over here.